हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर इन पॉल साइंस एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इन हेल्थ फैसिलिटीज बिकॉज अगेन आई विल से यस्टरडे ऑल्सो टू थ्री टाइम्स आई हैव टोल्ड यू बट नाउ अगेन आई विल बी रीटरेटिंग दैट हेल्थ इज वेल्थ। Today, the whole world is facing a turmoil. Today, the whole world is in a problem. It is just for the health. As per you know, the virus, I don't need to give you the details. But each and every person in the world is struggling today to fight this big virus that has strike the all over the world. We need to understand that we need to understand that all these facilities, health facilities, we have to improve because many countries, bahut sari countries hai jahan pe bahut sari facilities hai, bahut high and developed science and technology hai, lekin aap dekhiye wo sari countries bhi corona ko fight nahi kar pa rahe. Beta, I was just talking about corona because we are talking about health. And today the health issue is the biggest one. For that purpose I just mentioned about it. So medicines are needed, equipments are needed, and we need to treat the patients. A lot of patients are there who are facing health issues. So ye sari jo facilities hai, all these facilities that are there, they are, that is all for our care, health care. Okay, now you know it very well, and we have been already discussing it that India has got large number of doctors. Abhi humne piche wale table mein dekha tha, the table that was there, in that table we discussed how the health facilities are prominent in India, and there are there are the health tourists also coming here. They come here, and you know children, matlab यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खाली हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए नहीं आते हैं. इन इंडिया द आयुर्वेदिक फैसिलिटीज, द योगा, द नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी मीन्स नेचर, आपको कोई जड़ी बूटी खिलाएंगे, आपको 15 डेज तक उबला हुआ खाना खिला के, आपकी मालिश करके, ऐसे ऐसा तेल लग, मतलब बिग प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड थ्रू नेचुरल वेज. दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया. दुनिया के हर जगह पे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन बच्चों इंडिया में वी हैव दिस फैसिलिटीज, सो यू शुड ऑलवेज फील प्राउड दैट यू आर स्टेइंग इन इंडिया एंड यू आर एंजॉयिंग ऑल दीज फैसिलिटीज. एंड वी हैव ऑल्सो गॉट गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स हर एक सिटी में, हर एक गाँव में are there. Government is taking very good care of these hospitals. Government is spending lots and lots of money because government also knows this very well. If the population is healthy, then only they can take care of everything. So we need to understand that health facilities are the prominent ones which have to be always understood. सब लोगों को ये हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा. तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट इज़ रनिंग ऑल दिस, एंड गवर्नमेंट इज़ आल्सो लुकिंग आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. इन गांव में क्या होता है, मेनी ऑफ यू माइट बी हैविंग योर रूट्स, आई मीन यू माइट बी हैविंग योर हाउसेज इन द विलेजेस. तो क्या आपने देखा है विलेजेस में हेल्थ फैसिलिटीज आर देयर? यस चिल्ड्रन, इट इज देयर. एंड दीज हेल्थ सेंटर्स छोटे छोटे होते हैं एंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम. इन डॉक्टर्स को सैलरी जो मिलती है, इट्स वेरी हाई सैलरी. गवर्नमेंट वॉन्ट्स दैट प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन दीज village areas, who are staying in these remote areas. Got it children? So you need to, we need to understand this. Now what happens, large section of population is scattered over hundreds of thousands of villages.
अब इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, वी विल गो अबाउट इट इन डिटेल। अभी थोड़ा रुक के, पहले और कुछ चीज़ें हैं वो हमको समझने की ज़रूरत है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर हैज़ बीन फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो दिन पर दिन बहुत बढ़ रही है, पीपल आर वेरी हैप्पी। लेकिन अगेन द सेम थिंग, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बाद भी व्हाई लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर डाइंग। वी स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर हेल्पिंग अस, आर सेविंग अस, बट देन हाउ डू वी। सो चिल्ड्रन, ऑल दीज हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन and phenomenal advancement has been there in medical sciences. Many new technologies, all the treatment and everything has been introduced. It is available in the country, people are using these medical facilities. वैसे तो you know children, God forbid, भगवान ना करे कभी किसी को hospital जाना पड़े। In the worst conditions, people go to the hospital. लेकिन always we should pray to God that we must not go to the hospitals. The worst place anybody can ever go. Now what happens, that second column points means वो जो हमने अभी box देखा था, I'll just show you the box. ये वाला, ये इधर वाला, this, एक मिनट, this was the first column and this is the second column, got it? तो ये जो points हैं, point number one, point number two, point number three and point number four. तो यहाँ पे now we are going to discuss about the second column points. Just see. सेकेंड कॉलम पॉइंट्स क्या था, हाउ पुअर एंड हेल्थ सिचुएशंस इन आर कंट्री इज। हेल्थ सिचुएशंस इन आर कंट्री आर रियली पुअर, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। लॉट ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आर देयर, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल। जितना हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमको देना चाहिए लोगों को, उतना हम नहीं दे रहे हैं, गॉट इट? तो दिस इज द पैराडॉक्स। अभी आप पूछोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स। चिल्ड्रेन, ऑलवेज जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना, वेन एवर एनी सच वर्ड कम्स, उसके ठीक सामने में उसका मीनिंग दिया रहता है। पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्रेरी। अब मेरे बच्चों आप पूछोगे व्हाट इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स हम बोल कुछ रहे हैं, हो रहा है उसका उल्टा, कॉन्ट्रेरी, क्लियर? पैराडॉक्स मीन्स whatever we think, something opposite is happening. हम जो सोचते हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है, that is paradox. ठीक है, हम चाहते कुछ और है, what we would expect, हम जो चाहते हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है, that is paradox. तो क्या होता है, they have mentioned, we can see it is very clearly mentioned, our country has the money, पैसा है हमारे पास, नॉलेज है हमारे पास, एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। सबके पास हमारे पास जो है ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एवरीबडी इज़ अनेबल टू गेट। तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं मिलता है, why everybody in the country are not getting proper healthcare facilities. We will be doing an assessment of all these reasons. Ab dekho children, you know your pol science this year is very interesting. Isme a lot of stories are there. Aapko bahut sari kahaniyan, jaise piche chapter mein humne do kahaniyan padhi, ठीक है। टुडे वन चाइल्ड वॉज आस्किंग वॉट इज अंसारी अंसारी एक दो लोगों का नाम था, गॉट इट? टू पीपल, आई मीन अ फैमिली, जैसे आपका टाइटल है पांडे होते हैं, गॉट इट? आई एम बर्मन, तो ये फैमिली, वी हैव गॉट द टाइटल्स। इन द सेम वे इन दैट चैप्टर इट वॉज मैंशन मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, गॉट इट?
अभी हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वी विल बी अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। ये देखो कहानी दी हुई है। हकीम शेख नाम का एक आदमी था। हाँ, एकदम कहानी की तरह समझना, देन द थिंग्स वुड बी वेरी इजी फॉर यू। तो ये जो हकीम शेख था, ये ना पश्चिम बंगा खेत, मतलब नाम है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, मतलब मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। पश्चिम बंगा, बंगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगा वेस्ट बंगाल खेत, खेत का मतलब तो खेत होता है, खेत पता है आपको, फील्ड, मजदूर समिति। हिंदी को यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में दिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है, हिंदी ही है ये, इसको लेकिन जस्ट इंग्लिश में लिखा गया है, जैसे आप नहीं SMS में या WhatsApp में करते हो। ये BBKMS क्या था, इट वॉज अ एग्रीकल्चरल लेबरर यूनियन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे वेस्ट बंगाल के, वो इसके मेंबर्स थे। एग्रीकल्चरल लेबरर मतलब जो खेतों में काम करते हैं, वो सारे लोग जो है वो इसके मेंबर थे। एक शाम को क्या हुआ, वन इवनिंग 1992 में, हाँ, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। वो काम कर रहा था, ही फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, ही एक्सीडेंटली, हाँ, कहीं जा रहा होगा या ट्रेन से कहीं जा रहा होगा और उसको वो ट्रेन से गिर गया एंड सफर्ड हेड इंजरी, उसके सिर में बहुत चोट आई। ऑब्वियसली चलती ट्रेन से कोई गिर गया है तो उसको बहुत तेज़ चोट लगी होगी ना, दैट इज़ व्हाट हकीम शेख जो है वो गिर गया। अब उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेन से गिरा है, सर फूट गया है, तो उसको ही वुड बी नीडिंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना। तो उसको सब लोग पकड़ के जो है कोलकाता ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे हैव टेकन टू कोलकाता। लेकिन उन्होंने कहा, कोलकाता में जो हॉस्पिटल के लोग थे, दे सेड कि हम इनको एडमिट नहीं करेंगे। कितनी बार क्या होता है ना, आई विल टेल यू व्हाई, व्हेन द डॉक्टर सी एंड व्हेन द हॉस्पिटल सी कि आदमी जो है वो मरने ही वाला है, उसको बहुत चोट लगी है, उसका सर फूट गया है, कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं ना, दे डोंट एडमिट द पेशेंट, पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इसको एडमिट कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मर जाएगा, तो वो फिर वो रिलेटिव्स कहने लगते हैं ना, ठीक से इलाज नहीं किया, हॉस्पिटल खराब एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट हैव अ स्प्रेड, उन्होंने कहा भैया हमारा हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे बीमार लोग इस समय हैं, तो हमारे पास बेड नहीं है। तो अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज डॉक्टर्स, दूसरा एक हॉस्पिटल था वहाँ पे कोई उनकी मदद नहीं थी, कोई उसके पास फैसिलिटी नहीं थी और डॉक्टर्स नहीं थे, मतलब उनका ये कहना था कि इसका सर फट गया है, अभी जो द पीपल द डॉक्टर्स हु क्योर द हेड इंजुरी, दैट डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से क्या हुआ, अभी सोचो उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उसके रिश्तेदार, एंड नोबडी इज़ रेडी टू क्योर हिम, उसको कोई भी उसको इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। एंड इन दिस वे ही स्पेंड 14 hours इन अ क्रिटिकल स्टेट, 14 घंटे तक वो बहुत ही बुरे हाल में रहा, इलाज ही नहीं मिला, 14 hours तक सर फट गया है उस बच्चे उस आदमी का और उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, एंड वॉज टेकन टू 8 different hospitals, 8 जगह पे उसको ले गए, मतलब कितने सारे, सोचो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है लोगों को सही करने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए, और ये बेचारा बंदा हकीम शेख एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है, इमेजिन हिज प्लाइट। एंड None of them admitted him. किसी ने भी इसको एडमिशन नहीं, मतलब किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया, सर से खून बह रहा है और उसके रिश्तेदार उसको ले के दौड़ रहे हैं, सोचो कितनी क्रिटिकल कंडीशन रही होगी, द कंडीशन वॉज सो डेप्लोरेबल, सोच के भी कितनी घबराहट हो रही है ना चिल्ड्रन। एंड वॉट हैपेंड, फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसको एडमिट किया। Try to understand the difference.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लेते तो उसका इलाज बहुत कम पैसों में हो जाता, ही वुड हैव बीन क्योर्ड इन वेरी लेस मनी। जहाँ पे उसको इलाज तो मिला, ही रिसीव द ट्रीटमेंट, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट एंड ही वॉज वेरी एंग्री। ऑब्वियसली द फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीबडी इन द फैमिली वॉज वेरी अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। आठ हॉस्पिटल, इट चिल्ड्रन इमेजिन, अभी हमने क्या पढ़ा, एट हॉस्पिटल्स में उसके रिश्तेदार उसको लेके गए और कोई भी हॉस्पिटल उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजाक है, क्या आदमी की सेहत, द वेल बींग ऑफ अ पर्सन इज सो मतलब इतना सस्ता है क्या, क्या आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल, लुक एट द काइंड ऑफ मिसट्रीटमेंट दैट वॉज डन टू हकीम शेख। हकीम शेख ने कोर्ट, बिकॉज आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है एंड नोबडी इज देयर टू क्योर यू, तो यू कैन ईजली गो टू द कोर्ट। हकीम शेख एंड PBKMS, PBKMS आपने देखा, यहाँ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, खेत मजदूर, खेतों में जो मजदूर लोग काम करते हैं ना, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ मेंबर्स ने कहा कि हम इसको, इतना दिन उसको लग गया ठीक होने में, इतने पैसे स्पेंड करने पड़ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या खाली मुंह देखने के लिए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल क्यों खोला है, लोगों के इलाज के लिए, बट ही डिड नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट एट अ प्रॉपर टाइम। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देन इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट। अभी केस आया है, आप जज हो, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट दोज हु वॉन्ट टू बी अ जज इन द कोर्ट। कल की डेट में पढ़ लिख के आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, पढ़ाई करनी पड़ती है बेटा लेकिन उसके लिए, ठीक है, सो प्लीज़ स्टडी हार्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू। तो आप वॉट वुड यू से टू हकीम शेख, आप हकीम शेख को क्या कहेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज 21 पेज पे हमने ये पढ़ा, अभी इसके आगे क्या हुआ। हकीम शेख का केस आपको क्लियर हो गया, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट। एक स्टोरी तो ये हकीम शेख की है, ओके, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। जो खेत मजदूर था, पैसे उसके पास ज़्यादा थे नहीं, अल्टीमेटली एक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑलवेज हैव गुड डॉक्टर्स टू द एंड टेक लॉट ऑफ मनी। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो उसका इलाज हो सकता है फ्री में हो जाता, बिकॉज इतनी सीरियस हेड इंजरी, अब अच्छा कोई चोट वोट अगर लगती है, कोई जानबूझ के तो जाके नहीं चोट लगा लेगा, एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ही हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी अपने आप को सही करने के लिए। इफ़ ही वुड हैव गॉन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उसको हो सकता है 1,000 रुपये में ही उसका इलाज हो जाता। येस चिल्ड्रन, बिलीव मी, कहाँ 10,000 रुपये, कहाँ 1,000 रुपये, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल। अब पता नहीं उसको कितने पैसे लगे थे, एक तो ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और स्टोरी है, इसको समझोगे, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। सो वेरी नाइस स्टोरी दिस इज, आई वुड डेफिनेटली डिस्कस इट विथ यू। अमन एंड रंजन क्या है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड रंजन जो है वो बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करता है, एंड अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, मतलब कि काफ़ी मेहनत करने के बाद दो समय का खाना इनको मिल पाता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ बेटा, ठीक है। तो अमन और रंजन जो है एक अमीर दोस्त थे, गरीब है, अक्सर ऐसा होता है फिल्मों में भी देखोगे हमारे, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, इन आर स्टोरीज ऑल्सो, पहले के ज़माने के कुछ कहानियाँ हैं जिसमें दिखाते हैं कि
गॉड इज़ देयर एंड गॉड इज़ वेरी रिच एंड देन देयर इज़ पुअर ब्राह्मण, वो उसका उनका फ्रेंड है. तो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर वेरी फेमस. अमन एंड रंजन, तो अमन एंड रंजन जो है ये बातें कर रहे हैं. सो अमन इज सेइंग आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. रंजन इज सेइंग ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. अभी देखो, एक बच्चा जो अमीर है, एक बच्चा जो गरीब है, ठीक है. रंजन इज अ वेरी रिच पर्सन. रंजन के पिताजी उसको किंग्स वे हॉस्पिटल में लेके गए डॉक्टर के पास, एंड अमन कहाँ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. नाउ लुक एट द डिफरेंस, क्या इसमें अलग चीज़ें थी. किंग्स वे वाले जो हॉस्पिटल में गए हैं वहाँ पे देखो, बिल्डिंग लुक सो पॉश. पॉश मतलब जिसको देख के आपको लगेगा वाओ कितना सुंदर हॉस्पिटल है कि मॉल है, समझ में नहीं आएगा. सच बिग वो. आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटेल. बहुत बड़ा सा होटेल है, मतलब बाहर से लग ही नहीं रहा है हॉस्पिटल है. सच ब्यूटिफुल रिसेप्शन एंड डॉक्टर्स एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, वाइट वाइट बिल्कुल. नर्सेज आर देयर एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज. प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आई टोल्ड यू ना, दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी दे इन्वेस्ट इन ओपनिंग हॉस्पिटल्स. बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं काफ़ी सारा पैसा कमा के, और वो हॉस्पिटल्स खोलते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी सी फैसिलिटी दी जाती है. तो डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर. देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी. इमेजिन, समझ में नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे कि मॉल में गाना सुनने गए थे. सो नाउ यू कैन सी हियर द बिग डिफरेंस. गॉट इट. एक मतलब द हॉस्पिटल डजंट सीम लाइक हॉस्पिटल, इट लुक्स लाइक अ 5-star होटेल. म्यूजिक इज प्लेइंग, एवरीथिंग वॉज क्लीन एंड शाइनी, बिल्कुल साफ सुथरा था. एंड अब देखो रंजन कहाँ गया है. द डॉक्टर जस्ट अ मिनट, द डॉक्टर आस्ट मेनी फॉर मेनी टेस्ट. डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ. मतलब आप जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो ना, तो दीज पीपल विल आस्क यू टू डू लॉट ऑफ टेस्ट्स. टेस्ट के थ्रू वो पता लगाएंगे ना कि आपको क्या बीमारी है. तो वो आपको जो डॉक्टर की पर्ची होती है ना, उस पर्ची में 10 टाइप के टेस्ट वो लिख के आपको देंगे. एंड द नाउ ही इज सेइंग कि किस तरह से वहाँ पे लोग उनका ख्याल रख रहे थे. एंड द लेडी हु टुक माई ब्लड, जब ब्लड निकालते मुझे बहुत दर्द होती है, पता नहीं आपको होती क्या. आई एम सो स्केयर्ड ऑफ नीडल, वो जो सुई लगाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है. तो अभी सोचो इस तरह के हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ पे कि कोई मेरे को जोक सुना रहा है और वो है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब उन्होंने मेरा ब्लड निकाल लिया. हाँ या दे डू इट, देर इज़ वेरियस वेज ऑफ डूइंग दिस. तो ही सेड एंड सो ही वॉज सेइंग कि एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी. मतलब इसको बहलाने की कोशिश कर रही है ताकि व्हेन शी इज टेकिंग आउट द ब्लड ही शुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन. इसको ज़रा से भी दर्द नहीं होना चाहिए. एंड ही सेड आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम, जब टेस्ट कर डॉक्टर हैज रिटन back to the doctor, he looked through them and said everything was fine, I only had viral fever, he prescribed some medicines and rest. Doctor is such an experienced person. Doctor को क्या देख के नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से उसको खाली वायरल फीवर हुआ है, 10 तरीके के उसके टेस्ट कराए. आप सोचो एक एक टेस्ट का अगर 500 रुपया भी लगा, 5 तरीके के अगर टेस्ट कराए, कितना हो गया, 2500 रुपीज. लेकिन फादर है, उसके फादर है, उसके फादर के पास पैसा है, तो वो तो कराएंगे ही ना. सो ही गॉट ऑल द टेस्ट डन, मेडिसिंस वेयर प्रेस्क्राइब्ड, एंड देन द डॉक्टर इज ऑल्सो टॉकिंग इन अ वेरी नाइस मैनर. डॉक्टर क्या कह रहे हैं,
So, young man, this pink pill should be taken 3 times a day, and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. तो डॉक्टर भी लुक एट द वे डॉक्टर इज टॉकिंग टू हिम कि बेटा ये पिंक वाली दवाई है, ये वाइट वाली दवाई है, ये एक मीठी वाली दवाई है जो आपको पीना है, आपको पीने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सी द वे डॉक्टर्स आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विथ अमन. सो नाउ ही इज सेइंग थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. बोले तो उसने कहा कि हाँ मैं भी आराम कर चुका हूँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है. नाउ बोथ द फ्रेंड्स आर टॉकिंग. अब रंजन से वो पूछ रहा है, अमन है ना, अमन का फ्रेंड है जो रंजन, नहीं सॉरी, रंजन हैज सेड ऑल दीज थिंग्स एंड अमन्स पेरेंट्स आर वेरी पुअर. तो ये तो रंजन की कहानी थी. तो अब रंजन इज सेइंग, मैंने आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट. मेरे को डॉक्टर के यहाँ मैं गया और डॉक्टर के यहाँ मैंने इलाज करवाया और इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं ये सब तुम्हें बताने के लिए परेशान था. आई टोल्ड यू एवरीथिंग. तुम कहाँ गए थे? तुम भी तो बीमार थे. वेयर डिड यू गो? वॉट अबाउट यू? विच हॉस्पिटल डिड यू गो? वॉट इट? ही इज आस्किंग अमन. सो ही सेड, वॉट इज अमन सेइंग? ही सेड इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल. उसने कहा कि अरे यार तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा था, जैसे फ्रेंड्स बातें करते हैं. लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में गया था, बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल था, एंड एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम. बोले कि पहले जो मेरे फादर हैं वो मुझे नहीं ले जाना चाह रहे थे, बोले ऐसे ही आराम कर लो, तबीयत ठीक हो जाएगी. बट देन मेरी तबीयत को देख के ही हैज़ टू टेक मी टू द हॉस्पिटल एंड ही वॉज नॉट एंड ही टुक मी. वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर. ओपीडी काउंटर मीन्स जहाँ पे कि आपको रिसीट बनती है कि अभी आपका नंबर लगाना पड़ता है. जब डॉक्टर के यहाँ जाओ तो नंबर लगाना पड़ता है ना, कि हाँ ठीक है, वो कहेंगे आपको आधा घंटा बैठिए, अभी डॉक्टर बिजी हैं, अभी फिर आपका नंबर आएगा. एंड देन आप फिर वो पर्ची दे देते हैं, आप वो पर्ची लेके बैठते हैं. फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम. वो कह रहा है मैं इतना बीमार था कि मैं बार बार अपने पिताजी का सहारा लेके बैठ रहा था. इमेजिन हाउ मच इन ट्रबल दैट चाइल्ड वॉज. और उसके पापा उसको लेके लगातार जो है खड़े हुए थे लाइन में. एंड नाउ ही सेइंग व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारा चांस आया, डॉक्टर एग्जामिन मी एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट. उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट के लिए. देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू ब्लड टेस्ट के. एक्चुअली चिल्ड्रेन, अभी आप सोच रहे होगे कि उसको इतना लाइन में क्यों लगना पड़ रहा था. ज़्यादातर लोग होते हैं बेटा जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो एवरीबडी वॉन्ट्स इलाज मुफ्त में. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यू हार्डली हैव टू पे एनी मनी, बिल्कुल भी बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं. लोग भाग भाग के प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं. बस यही है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सब्र रखने से आपको एक अच्छा से अच्छा इलाज मिलेगा. यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड अ वेरी गुड क्योर. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव पेशेंस. तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि टेस्टिंग रूम के आसपास भी इतनी भीड़ थी और समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हमारा टर्न आएगा. ब्लड टेस्ट भी करवाना था, वो भी ज़रूरी था. रंजन का तो ब्लड टेस्ट तुरंत मिल गया था. यहाँ पे ही कि वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन तक वो बीमार ही था. एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे. पहले कोई और डॉक्टर थे, उनकी ड्यूटी रही होगी ना वहाँ पे. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं लगती है, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बहुत पैसा, एक ही बार में देखो 500 रुपये ले लिए उन्होंने. यहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपये देने पड़े होंगे. तो डॉक्टर्स को एक एक दिन में 100-100 मरीज देखने पड़ते हैं, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं. नाउ जब दूसरे दिन वो गए तो दूसरे डॉक्टर थे. शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज. डॉक्टर्स ना पेशेंट्स को चेक कर करके परेशान हो जाते हैं. एंड जब वो 3 दिन के बाद
गए वहाँ पे इलाज करवाने के लिए, तो द डॉक्टर इज सेइंग ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर। 3 दिन के बाद पता चला कि ही सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, ऑल ही नीड्स टू इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। उसने कहा कि बस ये फीवर को कम करने का ये मेडिसिन आप इसको दे दीजिए, हो जाएगा। नाउ रंजन इज सेइंग माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मेनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। बोला मुझे तो बहुत पैसे खर्च करने पड़े और तुमको खाली एक ही गोली खाने को मिली। सो अमान इज सेइंग ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। उसने कहा देखो मेरे को पैसे तो कम लगे। सो चिल्ड्रेन दिस वॉज द स्टोरी दैट वी डिस्कस टूडे। इस स्टोरी के आगे की कहानी पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन एंड ऑल द बेस्ट टू यू।